देख सकते हैं ये जो है योर यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024 ये लिखा हुआ है, यानी कि 2024 के एंड तक आपका टैक्स फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद इस फॉर्म को आप भर नहीं सकते हैं, और इस फॉर्म को अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको ये दिक्कत आएगा कि या तो आपका पेमेंट रुक जाएगा या तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल, कुछ भी हो सकता है इस कंडीशन में। और यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए आप सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स पे, टैक्स डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ नीचे यहाँ पे दिया हुआ कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले साइन इन करना है फ्लिक, फिर पेमेंट वाले पे जाना है, पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैनेज सेटिंग पे जाना है, उसके बाद स्क्रॉल टू पेमेंट प्रोफाइल, ये सारी चीज़ करनी है। तो मैं आपको करके बताता हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता हो जाएगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए सिंपली से आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे अपने चैनल के लोगो पे ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद से यहाँ पे अपने चैनल को आप सिलेक्ट कर ले, सबसे पहले उस चैनल से साइन इन हो जाए। तो यहाँ क्लिक कर लिया, देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो जो है यहाँ ऊपर आ चुका है। अब सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है गूगल एडसेंस, इसके बाद यहाँ गूगल एडसेंस को आपको यहाँ ऐसे कुछ आ जाएगा इंटरफेस। इसके बाद यहाँ साइनअप पर क्लिक करना है, साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपको उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिससे आपका चैनल है। तो मैं अपने चैनल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने अपने चैनल को क्लिक कर दिया। तो अब जो है गूगल एडसेंस का अकाउंट डायरेक्टली यहाँ ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ जो पेमेंट इन्फो इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे लोड ले रहा है, इसे लोड लेना है। तो लिखा है यहाँ पे देयर आर इशू विथ योर पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आपके पेमेंट अकाउंट में इशू है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर पेमेंट अकाउंट लिखा है एडसेंस इंडिया, ठीक है। तो एडसेंस इंडिया उनके लिए होता है जिनका वेबसाइट है, और जो वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे ट्रैफिक लाते हैं, वेबसाइट यूज करते हैं, उनके लिए है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और YouTube इंडिया यहाँ पे US डॉलर पे क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं YouTube इंडिया लिखा है, तो यूट्यूबर के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से अर्न करते हैं, तो सिर्फ आपको यूट्यूब इंडिया से मतलब रखना है। इसके बाद यहाँ योर टैक्स एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इस फॉर्म को आपको फिल करना है, वो जो फॉर्म था उसको फॉर्म को फिल करना था उसके लिए, वो जो पहले वाला था वो फॉर्म था वेबसाइट के लिए। अगर आपका वेबसाइट है तो फिल कीजिए, मेरा वेबसाइट नहीं है, मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल है, तो इसके लिए जैसे प्रोसेस मैंने बताया उस पर वहाँ पे क्लिक करना है। तो ये सिंगापुर है, सिंगापुर वाला जो है यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, सिंगापुर वाले एड टैक्स इन्फो दिया है तो लिखा है ऊपर सिंगापुर, इस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये जिसका वेबसाइट है जिन लोगों का उनको ही क्लिक करना है। अब हमें आना है यूनाइटेड स्टेट वाले पे, यूनाइटेड स्टेट वाले पे आने के बाद नीचे की तरफ आपको जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें सबमिट न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब स्टार्ट न्यू फॉर्म का यहाँ ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे करना है, फिर स्टार्ट फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करना है। स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका आगे का जो इंटरफेस है आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई इट्स यू कम्प्लीट यूजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अपना फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, फिंगरप्रिंट लगाने के बाद ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ जाएगा, किसी किसी में ऐसे ही प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद जो आगे का इंटरफेस है खुल जाएगा, तो देख सकते हैं यूनाइटेड टैक्स फॉर्म ये खुल चुका है, इसे हम भरेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पर ललन सा, तो इंडिविजुअल पर हम क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद एक नंबर वाला ऑप्शन क्लिक, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद से आप नीचे की तरफ आएँगे। आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, क्या आप यूनाइटेड स्टेट से हैं, तो हम इंडिया से हैं, यूनाइटेड स्टेट से नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट से नहीं है। फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे वाला जो फॉर्म है फिर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन है W8BEN, इसको आपको क्लिक करना है। स्टार्ट W8BEN फॉर्म, इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आगे का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, फिर आगे वाले इंटरफेस के लिए लोड ले रहा है, इसे लोड लेने देना है। इसके बाद आपको यहाँ 14 लिखा है, यानी कि 14 में आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, और याद से आपको पैन कार्ड का नंबर मैच भी कर लेना है कि आपने सही डाला है या गलत डाला है। और यहाँ से सही पैन कार्ड का नंबर आप अपना इंटर करें, जो पहले आपने इंटर किया था वही नंबर इस बार भी इंटर, पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसे मैच करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, हम इंडिया से हैं तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस रेसिडेंस है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ इंडिया, इसके बाद से इंडिया कंट्री सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आपको फिल करना है और स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट आपका जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस जो है फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पोस्टल एड्रेस इज सेम एज़ परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, इस पर हम टिक करेंगे क्योंकि पोस्टल एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस मेरा सेम है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा। फॉर रिड्यूस विथहोल्डिंग डेट, इस पर दो नंबर वाले पे क्लिक करना है। रेसिडेंट ऑफ द फ्लोइंग, इस पर क्लिक करना है, टिक कर देना है। इसके बाद कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको तीनों पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक दो, और आर्टिकल पैराग्राफ में आपको 12 सेलेक्ट करना है। विथ होल्डिंग रेट में 15% आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ नीचे की तरफ टिक करना है। फिर आर्टिकल में 7 करना है एंड यहाँ पे आपको 0% है, यहाँ पे 30% कर देना है डिफ़ॉल्ट रेट। यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और फिर मोशन एंड पिक्चर टीवी, इस पर क्लिक करना है। आर्टिकल पैराग्राफ में 12 सेलेक्ट करना है, विथ होल्डिंग रेट में 15% सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है एज ए टैक्स रेसिडेंस। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आगे का फॉर्म आपको भरने को मिलेगा और इन सारी चीज़ों को बड़े ही आपको आसानी से और आराम से भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करें, नहीं तो गलती हो जाने पे फिर इसे आप फिल नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत होने लगेगा। यहाँ पे आपको लिखा है हैज़ लेलेंसा परफॉर्मेड एनी एक्टिविटीज एंड सर्विस फ्रॉम गूगल विद इन US, तो आप कोई US में एक्टिविटी करते हैं तो हम कोई भी एक्टिविटी US जाकर नहीं करते हैं, हम इंडिया से ही जो करते हैं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आई क्लियर फाई, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे आई कॉन्फर्म यहाँ पे क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद से नीचे की तरफ आना है, आई क्लियर फाई, फिर टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे जनवरी 2020 लिखा है तो 24 अभी एंड ऑफ द ईयर 24 हम कर देंगे। इसके बाद यहाँ नीचे वाला डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना नहीं है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि यस आई एम द बेनिफिशियल ऑनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिफिकेशन, तो इस पर साइन कर देना है। इसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं आपका लीगल नेम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, नीचे की तरफ लीगल नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो अब लिखा हुआ सही है। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, फिर इसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आगे का इंटरफेस आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि आपका सही है कि गलत है, जो आपने इन्फॉर्मेशन भरा है वह सही है गलत है कैसे पता चलेगा। तो इसे लोड लेने देना है, इसे कट नहीं करना है आपको, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ क्या लिख रहा है, योर टैक्स इन्फो हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी सेंड किया, यानी कि अभी भरा है जिस फॉर्म को, वह फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, यानी कि हमने जो फॉर्म है सही से भरा है। तो यही था US टैक्स फॉर्म भरने का तरीका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को भी ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।